मॉर्निंग क्लास। सो टुडे वी आर मेकिंग अ वॉल हैंगिंग बाय आइसक्रीम स्टिक्स। सो इस तरीके से एक बेस मैंने रेडी कर लिया है पहले। देखिए इस तरीके से मैंने zigzag शेप में इसको स्टिक कर लिया है पीछे से, एंड यहाँ पे हैंगिंग भी मैंने ऐड कर दिया है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस, एक कोई भी वर्ड लिखने के लिए मैंने यहाँ पे ये स्वीट बॉक्स का गोल्डन शीट लिया हुआ है, एंड इस पर हम कोई भी वर्ड लिख के यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। एंड इसको डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जूट शीट। सो लाइक दिस, कुछ इस तरीके की मेरी जूट शीट है, गोल्डन शिमरी शिमरी है ये। इसको यूज़ करेंगे रोज़ फ्लावर के लिए। सो फर्स्टली मैं इसको फोर पार्ट्स में इक्वली फोल्ड कर लूँगी। नाउ सर्कल में कर्व शेप में इसको मैं कट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ सीजर लाइक दिस क्लास। नाउ इसको हम इसी शेप में कट करते चले जाएंगे लास्ट तक। सो लाइक दिस, इस तरीके से आपको उसको कट करना है। नाउ वन वन लेयर लेके आपको इसको यहाँ कॉर्नर से इस साइड से रोल करते हुए आना है। ओके, तो आपका इजीली रोज में कन्वर्ट हो जाएगा ये लाइक दिस। सो लाइक दिस, इस तरीके से। ओके, नाउ इसको स्टिक कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। सो लाइक दिस, मैंने इसको स्टिक भी कर लिया है अच्छे से। सो ये रेडी है। ऐसे ही सेम प्रोसेस हम सारे फ्लावर्स में रिपीट करेंगे। सो इस तरीके से मैंने सारे फ्लावर्स को रेडी कर लिया है। नाउ अब हम अपना बेस ले लेते हैं। तो अभी ग्लू गन की हेल्प से मैं इसको कॉर्नर्स पे, दोनों कॉर्नर्स पे इस तरीके से पेस्ट कर लूँगी लाइक दिस। एंड इन फ्लावर्स को भी हम यहाँ पे कॉर्नर्स पे वन बाय वन स्टिक कर लेंगे इस तरीके से। नाउ यहाँ पे भी मैं इसको स्टिक कर लूँगी। सो कुछ फ्लावर्स की पैटर्न इस तरीके की मेरे पास वेस्ट पड़े थे, मैं इसका यूज़ एज अ लीव्स करूँगी यहाँ पे। तो इस तरीके से हम वन बाय वन अरेंज करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पे गोल्डन शीट ली हुई है। नाउ मैं यहाँ पे लव लिख रही हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे एंड नाउ इसको सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। सो नाउ मैं कर रही हूँ इसको कट। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, अभी पेस्ट नहीं किए, पेस्ट करेंगे बाद में। हमारा लास्ट अल्फ़ाबेट भी कट हो चुका है ना। अब हम इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट। सो फाइनली ये हो गया है रेडी हमारा वॉल हैंगिंग। ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग हमारा रेडी है। सो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ऐसे ही आप भी कुछ वेस्ट चीज़ों से अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। सो बाय बाय एंड टेक केयर।